Disclaimer: this video is for entertainment purpose only and does not aim to harm or disrespect anyone. Thank you. So what's up, MM family? Welcome back to another episode of New Inventions You Must See, Episode 3. तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट के बारे में, कलम स्टैट V2 के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। V2 को रिफात शाहरुख और उनके दोस्तों ने मिलकर बनाया है। इन सभी का उम्र 18 साल के आसपास है और इसका नाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर रखा गया है। इसका वेट बस 64 ग्राम है और आसानी से हाथ के हथेली पर रखा जा सकता है। इसका पूरा डिजाइन 3D प्रिंटेड है और फुल्ली कार्बन फाइबर से बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड टफेस्ट सब्सटेंस में से एक है। इसमें एक नैनो गीगर म्यूलर काउंटर लगाया गया है, जो कि बाहर के आउटर स्पेस का रेडिएशन नाप सकता है। इसे नासा के द्वारा वेलफ आइलैंड में दोपहर के 3 बजे लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च की मिशन डायरेक्टर श्रीमती केसन थी और उन्होंने कहा है कि जिस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था वो 240 मिनट के लिए उड़ा था और उड़ने के बाद 125 मिनट लगे थे इसे माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में सेपरेट होने के लिए, और लौटने के टाइम कलम स्टैट समुन्द्र में गिर गया था। पर नासा ने कहा है कि वो लोग सारा डेटा डिकोड करके हमें वापस कर देंगे। तो भाई लोग, आज का वीडियो यहाँ तक ही था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।